ये भीड़ का कार्यक्रम नहीं था। आजाद है, सांकेतिक है, सरकार को बताने के लिए 26 जनवरी को भीड़ हम दिखाएंगे, गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, दिल्ली के सड़कों को सिरों से पाट देंगे, यहाँ के दलितों को, गरीबों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये देश अभी भी हमारे लिए स्वतंत्र नहीं हुआ है, आजाद नहीं हुआ है। आजाद हुआ था तो अंग्रेजों की गुलामी से हुआ, लेकिन यहाँ के पूरे गांव का यथार्थवादी हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और सरकार ने जानबूझ के हमला करवाया है, क्योंकि सरकार जो सदियों से दलितों पर अत्याचार करते आए हैं और सरकार से आज भी जानबूझ के हमारे लोग नहीं हुआ है, आज भी आजाद नहीं हुआ है देश। इसकी सरकार को बताना चाहते हैं जो आप देख रहे हैं, देख लिया गुजरात में ऊना की घटना सामने आई है, कभी यूपी के अंदर सहारनपुर की घटना सामने आती है, कभी सरकार को महाराष्ट्र के अंदर कभी कोरे गांव की घटना सामने आई है, कभी गुजरात के अंदर अहमदाबाद से एक घटना और नहीं सामने आई है कि दलित को पुलिस कस्टडी के अंदर 15 पुलिस कर्मचारियों ने जूते चटवाए। कितनी शर्मनाक बात है इस देश के अंदर हो रही है कि दलित लोग जब भी अपनी बात करना चाहते हैं, अपने सम्मान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, तभी उनको रोकने की कोशिश होती है और उनके ऊपर प्रहार किए जाते हैं, उनके ऊपर कत्लेआम किए जाते हैं, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, उनके घरों को जलाया जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ गलतकार होते हैं, गलत काम होते हैं। और भारत के समाज जो हमारा बड़े अन्याय की बात है, देश के अंदर हम चाहते हैं सभी देश के अंदर भगवान बुद्ध का नाम लिया जाता हो, और जो इस देश के अंदर गुरु रविदास जी का नाम लिया जाता हो, जिस देश के अंदर गुरु नानक जी का नाम लिया जाता हो, जिस देश के अंदर संत कबीर का नाम लिया जाता हो, जिस देश के अंदर महर्षि वाल्मीकि का नाम लिया जाता हो, उस देश के अंदर इतनी दुश्मनी, इतनी एक दूसरे के प्रति घृणा वो कैसे पैदा हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो देश को फिर टुकड़े करना चाहते हैं, इस देश को फिर दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से हमें पूरी तरह से सचेत रहना होगा और हमें हमारे युवाओं को हर तरह से तैयार होना रहना पड़ेगा। सरकार को जिम्मेदारी आपने सामने की हो गई है, गोरे गांव के अंदर सामने आ गया है, पूरी तरह से सहारनपुर के अंदर सामने आ गया है और दूसरे स्टेट के अंदर सामने आ गया है। यहाँ के जो अपने आप को राजा राजपूत कहते रहे हैं, जो ठाकुर लोग हैं, उन्होंने गलतियों के साथ और हर प्रकार के अंदर बीजेपी की सरकार है, वहाँ वहाँ दलितों के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रहार और जुल्म और दुखों करते हैं और वहाँ की सरकारें जब दलित लोगों का मुकाबला करने के लिए आते हैं उन्हीं को उल्टा बन करके गले में ठोक देते हैं, ठोक देते हैं जेल में, और उनके खिलाफ कैसी धाराएं लगा करके, कैसी कैसी धारा लगा करके, जैसे आप लोगों ने देखा है सहारनपुर के अंदर साथी चंद्रशेखर आजाद के हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, उसके बाद तुरंत उसी दिन जो है दूसरी धारा लगा दी उसको, और उसमें प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि जब कोई बात भी यहाँ न्याय मिलने की उम्मीद कर सकते हैं, बड़े न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रधानमंत्री को चंद्रशेखर की जमानत कर दी गई, और उसके बाद जिला कलेक्टर ने वहाँ पर राष्ट्रपाल को जेल में रखा हुआ है, जो प्रधानमंत्री से हमने लिखित में मांग की है उन्हीं को जेल में और चंद्रशेखर की रिहाई की व्यवस्था करें और जो राष्ट्रपाल है उसको वापस करें। सरकार ऐसे चलने वाली नहीं है, यहाँ अगर सरकार को चलाना है तो भगवान बुद्ध का नाम आप लेते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, तो उनके सिद्धांतों पर गुरु रविदास जी का नाम लेते हैं, गुरु नानक जी का नाम लेते हैं, तो उनके सिद्धांतों पर ही सरकार को चलाना होगा। आप जो मंत्री चलने वाला नहीं है, उन्होंने का काम किया, यहाँ बनाए, यहाँ
और ये आगे चलने वाला नहीं है। दलित हम जान गए हैं, हर जगह से हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार से आपको दिया जा रहा है, हर पूरे गांव के अंदर जवाब दिया गया है, जवाब दिया गया है, जवाब देने के लिए भाई भाई को तैयार हो गया है। याद है महाभारत, भाई ने भाई को मारा है, चाचा ने भाई ताऊ को मारा है। ये तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, अभी भेज दीजिए, जेल से हम नहीं घबराएंगे। यहाँ पर जेल दलितों से इतनी भर जाएगी कि जेल के अंदर जगह नहीं रहेगी आपके पास। सरकार को अभी भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि जेल जाए, अभी समय है सोचने का आपके पास, में ज्यादा नहीं है मगर समय बहुत थोड़ा समय रह गया है। अब क्या अगर डांट मार भी होनी होगी आज दलित, मैं से कहना चाहता हूँ दलितों की तरफ से कि हम डांट मार से घबराने वाले नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कितनी ताकत है, एक दलित का बेटा जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए यहाँ के गवर्नर जो अंग्रेज गवर्नर था उससे बदला लेने के लिए इंग्लैंड में जाकर के लंदन में जाकर के उसको भाई गोलियों से भूना था, गोलियों से उड़ाया था। ये दलितों की ताकत है कि जो दलित जब याद जाए, जब ठान ले कुछ करने के लिए तो फिर वो पीछे हटता नहीं है। कितना भी बलिदान उसको देना हो वो किसी से भीख नहीं मांगेगा, वो जो है आगे ही बढ़ता जाएगा। प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ये दलितों की मान मर्यादा है। दोस्तों मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं सरकार से पुनः एक बार निवेदन करता हूँ कि जाग जाओ और ये जितने भी कांड हो रहे हैं इसके अंदर इंक्वायरी तो तुम्हारी मर्जी से होगी, ये तो हम जानते हैं। जिसकी सरकार उसी की इंक्वायरी उसी के हिसाब से इंक्वायरी चलती है, लेकिन सच्चाई पर आ जाओ। जमीन की बात तो देखो कि जमीन पर क्या है हो रहा है, कहाँ अत्याचार शुरू हो रहा है। नाम आ गए हैं आपके महाराष्ट्र के अंदर दोरे गांव कांड के अंदर, आपके गुरुजी हैं बूढ़े, आप उनको बहुत ज्यादा चाहते भी हैं, लेकिन और एक विधायक का नाम बीजेपी के आया है उनके ऊपर जो है उनके ऊपर देखते हैं आप क्या कार्रवाई करते हैं, क्या उनके ऊपर आसुका लगती है, क्या उनको फांसी की सजा होती है इस काम के लिए, तब देखेंगे। तो जितना भी अत्याचार हो जाए हो रहा है उसके देश में जा करके देखना है कि कौन लोग जो है ये करवा रहे हैं लड़ाई झगड़े, और उसमें प्रॉपर इंक्वायरी प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। और जो चंद्रशेखर आजाद को गलत धारा के अंदर रासुका जबरदस्ती उस पर ठोकी गई है, उसको तुरंत जो है खत्म किया जाए रासुका उसके ऊपर, और उसको जो है रिहा किया जाए। चंद्रशेखर की रिहाई पूरा दलित समाज पूरे देश का समाज आज मांग रहा है, और अगर ये रिहाई जल्दी से जल्दी नहीं हुई तो ये आग और ज्वाला बनती चली जाएगी और पूरे देश में इस तरह से आग लगेगी कि आपको आप संभाल नहीं पाएंगे। पहले इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय रविदास।